अच्छी पैकेजिंग में आप बासी माल कब तक बेच सकते हो? यही हाल है बॉलीवुड का। बॉलीवुड में स्टोरी टेलिंग को क्या हो गया है? स्टोरीफिकेशन तो बिल्कुल होती ही नहीं है, क्रिएटिविटी को जंग लग गई है। और ऐसा लगता है कि साउथ इंडस्ट्री के पास इतना कंटेंट है, इतनी स्टोरीज हैं कि वो धीरे धीरे करके पूरा बॉलीवुड कैप्चर कर लेंगे। और इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर कंटेंट अच्छा है, अगर क्वालिटी कंटेंट आप दर्शकों को दे रहे हैं तो दर्शक उसको हाथों हाथ लेंगे। यही बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि स्टोरी टेलिंग इतनी इंपॉर्टेंट है तो बॉलीवुड उसको एक्सप्लोर क्यों नहीं कर रहा है? अब टाइम है एक्सपेरिमेंटेशन का। हम एक ही कहानी को बार बार, एक ही बासी कहानी को बार बार नहीं दिखा सकते। उसमें जब तक हम एक एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करेंगे, जब तक हम नई चीज़ें नहीं सोचेंगे, जब तक हम कुछ नया नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। एक व्यूअर बहुत स्मार्ट होता है, वो 1 सेकंड में ये जज कर लेता है कि आप वही चीज़ उसको खिला रहे हैं या आप उसमें कुछ नया तड़का लेकर आए हैं। मसाला जब तक नहीं लाएंगे तब तक स्टोरीज आपकी नहीं चलेंगी, बॉलीवुड खत्म हो जाएगा। और अभी हमने पुष्पा रिलीज हुई थी थोड़े दिन पहले, हमने उसका रिव्यू देखा और उसका रिएक्शन देखा जो पब्लिक में था, वो इट वाज अ रेज। लेकिन अगर आप कहानी की बात करोगे तो ये कहानी कहीं ना कहीं अग्निपथ की कहानी से थोड़ी बहुत मेल खाती है। तो ऐसा क्या था पुष्पा में जो बाकी बॉलीवुड नहीं कर पा रहा है, जो आज की डेट में बहुत वीक होता जा रहा है बॉलीवुड? तो ये था सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, वो थी स्टोरी में एक्सपेरिमेंटेशन। बिल्कुल वैसी कहानी उठाकर नहीं डाली, लेकिन उसमें थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन किया। तो अगर ब्रेकडाउन करके देखते हैं साउथ मूवीज जो है वो क्या कर रही हैं ऐसा जो दर्शकों को पसंद आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है उनकी स्टोरी टेलिंग, उनकी कहानी सुनाने का अंदाज। आप एक कहानी को 10 बार अलग अलग तरीके से सुना सकते हैं और 10 बार अलग अलग तरीके से लोग उसको सुनेंगे, अगर आपके पास उसको सुनाने का नया अंदाज है, अनोखा तरीका है। तो उनकी स्टोरी टेलिंग वे जो दे जो पहले थी और जो अब हो रही है, उसमें जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। इतना हम टेक्नीशियंस की बात नहीं कर रहे हैं इस टाइम, हम कोई ऐसे इक्विपमेंट्स की या स्पेशल इफेक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उनके कहानी सुनाने के अंदाज की बात कर रहे हैं। तो किसी भी कहानी के लिए या किसी भी व्यूअर रिलेटेड आप कॉन्टेंट के लिए, अगर आपकी स्टोरी टेलिंग, आपकी स्टोरी नहीं है अच्छी और आपकी स्टोरी टेलिंग नहीं आती है आपको करनी, तो उसको सीखना ज़रूरी है, क्योंकि वही आपकी बैकबोन रहेगी आपका कंटेंट व्यूअरशिप के लिए। मैं अगर एक कहानी को, एक बात को 10 बार सुनाती रहूंगी उसी कहानी को, लेकिन उसमें मेरा कोई चेंज नहीं लाऊंगी, तो कुछ टाइम के बाद कोई मुझे नहीं देखेगा, कोई मुझे पसंद नहीं करेगा, इरिटेट हो जाएंगे लोग मुझसे। तो यही हो रहा है बॉलीवुड में, आप एक कोई हीरो बनाकर और उसी को करते जा रहे हैं। तो अब ब्रेक डाउन की जब हम बात कर रहे हैं तो स्टोरी की बात करेंगे। स्टोरी इज द बैकबोन। आप कुछ भी मसाला ले आओ बॉस, लेकिन अगर उसमें स्टोरी नहीं है तो वो काम नहीं करेगी। मैं आज की डेट में कोई एक ऐसी मूवी नहीं काउंट कर सकती साउथ की जिसकी कहानी ना हो या जिसमें स्टोरी ना हो। स्टोरीज हटके हो सकती हैं, स्टोरीज वियर्ड हो सकती हैं, कुछ पागलपन हो सकता है, लेकिन कहानी होती है बॉस। तो ये मूवी आने वाली है RRR, जिसका ऑलरेडी एक रेज बना हुआ है, ट्रेंड चलते हैं टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, उसकी रील्स बनती रहती है। मैंने देखा है कि ये एक्सपेरिमेंटेशन सिर्फ उनकी कहानियों तक नहीं है, उनके म्यूजिक में भी है, उनके विजुअल स्टोरी टेलिंग में भी है, तो म्यूजिकल स्टोरी टेलिंग में भी है कि आप एक तरीके का म्यूजिक नहीं करते जा रहे हो, आप अलग अलग तरीके की चीजें कर रहे हो। उसमें ड्रीम सीक्वेंस भी अगर है तो वो इतना ब्यूटीफुल लगता है कि आपको लगता है कि यार ये देखना चाहिए, दिस इज वॉट वी वॉन्ट टू सी। और जब हम बात कर रहे हैं कि एक बड़ी मोनोटोनस लाइफ है, हम लोग वही घिसी पिटी कहानियां देख रहे हैं बॉलीवुड में, कुछ भी नया नहीं देखने को मिल रहा, तो सवाल ये भी उठता है कि बॉलीवुड में साउथ के रीमेक्स जो बन रहे हैं वो भी इतने बुरे क्यों होते हैं? वो भी ऐसे क्यों नहीं होते जैसे वो बनाते हैं या उस कन्विक्शन से वो बोलते हैं या उस कन्विक्शन से उनका एक्ट होता है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम अभी उसी फ्रेम में रहना चाहते हैं कुएं के मेंढक की तरह कि भैया इसी इसी को चलाओ, इसी को चलाओ, इसी को चलाओ, इसी स्टाइल को चलाओ। तो आप जब तक कुछ उसमें चेंजेस नहीं लाने वाले हैं बॉलीवुड वाले, तब तक कुछ नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता है कि बॉलीवुड सस्टेन कर पाएगा बहुत ज़्यादा टाइम तक। ये साउथ इंडस्ट्री के जो एक्टर्स हैं और जो इनका वे ऑफ थिंकिंग है, जो कैनवस है, जो ग्रैंडियर है, कभी मैच नहीं हो पाएगा। और यही रीज़न भी है कि बहुत सारे बॉलीवुड डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स साउथ की तरफ भाग रहे हैं, एक्टर्स भी अब साउथ की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि वहां पर ही फ्यूचर है। ये फ्यूचर नहीं दिखता है मुझे OTT ऑफ कोर्स है, क्योंकि OTT में बहुत सारी स्टोरी टेलिंग है और बहुत लोग बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। मैंने स्टोरीज में भी, मैंने जो लेटली अभी रिसेंटली मैंने डियर कॉमरेड्स देखी है, और मतलब उसमें जो लव स्टोरीज का एक स्टाइल है या रोमांस का स्टाइल है वो बहुत सेंशुअस भी है और बहुत स्वीट भी है। और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी उसका रीमेक आ जाएगा। राइटर्स हैं जो अलग हटके करते हैं काम, तो उनका काम उतना ज़्यादा सराहा नहीं जाता था पहले। अब OTT प्लेटफॉर्म है तो बहुत चीज़ें हो रही हैं, बहुत चीज़ें बदल गई हैं, लोग घर बैठे बैठे एंटरटेन हो रहे हैं, काफ़ी अच्छा अच्छा एंटरटेनमेंट लोगों को मिल रहा है।
तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आने वाले टाइम में हमारी जो बॉलीवुड की स्टोरी टेलिंग है वो थोड़ी डाइवर्स हो, थोड़ी अच्छी हो, क्योंकि अगर वो नहीं होती है तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगी, बहुत जल्दी बॉलीवुड खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, आपको ऐसा लगता है कि स्टोरीज मैटर करती हैं या सिर्फ विजुअल स्टोरी टेलिंग मैटर करती है या सिर्फ इफेक्ट्स मैटर करते हैं? जो भी आपके थॉट्स हैं मुझसे कॉमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बने रहिए स्टोरीफाइंग शिप।